Radhe Radhe children. Today we are going with a new topic which comes under the section of circulation, that is circulatory system. The most important topic again is heart. In heart, the topics are divided into two parts. The first part is known as structure of heart, and another part is known as working of heart. We have two topics. One is structure of heart and another is working of heart. Now, in structure of heart, first of all, you are supposed to learn the structure of heart, and then we'll go with working of heart. That is, working of heart is nothing but it is also acknowledged as blood flow in heart. That is our another topic. Now, first we'll move with structure of heart. See here, we are having a diagram of human heart. Now, in the diagram of human heart, you can see all the labeled parts are here. Now, how is this labeled part done and how are this topic learned? That is most important thing. So, your first topic is structure of heart. Now, in structure of heart, I can say human heart is divided. First of all, it is said that it has three things. We are supposed to learn three things. आपको ह्यूमन हार्ट के अंदर सबसे पहले तीन चीज आनी चाहिए. पहला शेप, साइज एंड लोकेशन. तो अगर हम शेप की बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप. कोनिकल इन शेप इस तरह से, ये कोनिकल शेप हुआ. तो ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप. तो सबसे पहला आया शेप. शेप कैसा है? कोनिकल. फिर आया साइज. तो द साइज इज क्लोज्ड फिस्ट. फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. आप लोग अपनी मुट्ठी बंद करें और आपकी जितनी मुट्ठी बंद होती है यहां तक, उतना आपका हार्ट. इसलिए आपको पता होगा कभी भी हम ज्यादातर ऐसे करते हैं, हार्ट मुट्ठी बंद करके हार्ट के यहां पे रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे रखा जाता है. इसलिए वी कैन से कि द साइज ऑफ द हार्ट इज क्लोज्ड फिस्ट. थर्ड, लोकेशन. हार्ट कहां पर आया? तो हार्ट इज इन द एट स्लाइटली लेफ्ट बिटवीन द लंग्स. आपकी ये जो बॉडी है वहां से लेफ्ट साइड पे, स्लाइटली लेफ्ट बिटवीन द लंग्स. इट इज नॉट एग्जैक्टली बिटवीन द लंग्स, इसलिए हमने इसमें वर्ड यूज किया है स्लाइटली लेफ्ट. अब फिर से एक बार ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो हमें पहले तीन चीज याद होनी चाहिए, शेप, साइज एंड लोकेशन. शेप कैसा है ह्यूमन हार्ट का? तो ह्यूमन हार्ट का शेप होता है कॉनिकल. साइज कैसी है? क्लोज फिस्ट. और लोकेशन क्या है उसका? स्लाइटली लेफ्ट बिटवीन द लंग्स. तो ये पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट पे आते हैं तो हम ऐसा बताते हैं, हम अपने हार्ट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट फोर पार्ट में डिवाइडेड है तो उसे हम फोर चैम्बर्ड हार्ट बोलेंगे. सो वी हैव फोर चैम्बर्स इन द हार्ट. अगेन वी हैव फोर चैम्बर्स इन द हार्ट. अब फोर चैम्बर्स कैसे हैं? तो अपर दो चैम्बर्स जो हैं, अपर टू चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया एंड लोअर टू चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल. फिर से, अपर टू चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया. अपर टू चैम्बर्स एट्रिया एंड लोअर टू चैम्बर्स वेंट्रिकल. यानी हम इसे एवी कहते हैं. एवी, एवी, ए मीन्स एट्रिया, वी मीन्स वेंट्रिकल्स. अब हमने क्योंकि बताया कि वो फोर चैम्बर है तो फोर चैम्बर्स कैसे होगा, तो हमने यहां पर एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम सा बनाया है. तो फोर चैम्बर्स में हम ऐसा बताते हैं कि उसके जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं, अपर टू चैम्बर्स हैं, ये जो अपर टू चैम्बर्स आते हैं, अपर टू चैम्बर्स, एक को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. एट्रियम इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ एट्रिया. एट्रिया वर्ड प्लूरल हुआ और एट्रियम यानी सिंगुलर हुआ. तो ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, दूसरा हुआ राइट एट्रियम. सेम वे वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा हुआ राइट वेंट्रिकल. फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हैं. ह्यूमन हार्ट इज ऑफ फोर चैम्बर्स. दे आर अपर टू चैम्बर्स. अपर टू चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया एंड लोअर टू चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. द अपर टू चैम्बर्स आर डिवाइडेड एज टू, दैट इज लेफ्ट आट्रियम एंड राइट आट्रियम. एंड लोअर टू चैम्बर्स आर डिवाइडेड इंटू टू, अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स. चलिए, अब वेंट्रिकल्स आने के बाद में अब हमारे पास, देखो अगर हम पार्टीशन करते हैं, जैसे हमारे पास एक कमरा है या एक हॉल है, हम अगर उसका हॉल का पार्टीशन करेंगे
तो हम उसके पार्टीशन को या तो लकड़े से बनाएंगे या तो एल्यूमिनियम से बनाएंगे। अब ये जो पार्टीशन जो हम बनाते हैं वॉल्स को पार्टीशन करने के लिए, वॉल्स एक हॉल को जब हम पार्ट करते हैं और उसमें चार अलग अलग कमरे बना रहे हैं, तो उस जो पार्टीशन है उस पार्टीशन को हम सिंपल वर्ड में पार्टीशन बोलते हैं। मगर जो पार्टीशन हार्ट में होता है उसको कहा जाता है सेप्टा, उसे कहते हैं हम सेप्टा। दैट इज पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टा। हार्ट्स के जो चार पार्टीशन होते हैं, हार्ट्स में इन द हार्ट्स द फोर पार्टीशंस विच आर मेड, दिस फोर पार्टीशंस आर नोन एज सेप्टा। अब ये जो सेप्टा है उसके लिए एक खास है लेफ्ट आट्रियम और राइट आट्रियम, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे आते हैं, सॉरी ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड में आते हैं। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, जैसे अगर हमने इस तरह से बताया तो ये वाला जो मेरा ऊपर का हाथ है, ये पार्टीशन आर्ट्रिया का पार्टीशन हुआ। तो ये जो आर्ट्रिया का पार्टीशन होता है वो वॉल्स थिन होती है, और वेंट्रिकल्स का जो पार्टीशन होता है उनकी वॉल थिक होती है। नाउ देखो, यहां पर हमने एक डायग्राम्स बनाया हुआ है हार्ट जैसा। यहां पर हमने राइट आर्ट्रिया आर ए लिखा है, दैट इज राइट आर्ट्रिया, एल ए दैट इज लेफ्ट आर्ट्रिया, नीचे हमने लिखा है आर वी दैट इज राइट वेंट्रिकल, और नीचे लिखा हुआ है एल वी दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जब कभी भी ब्लड फ्लो होगा तो वहां पर अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहां पर एक तीन मुंह वाला वाल्व बनाया है। इसको कहा जाता है ट्राई कप्सिड वाल्व, क्योंकि इसके तीन मुंह हैं तो इसे कहते हैं ट्राई, और इसके कप जैसे मुंह हैं तो कप। देखिए टी आर आई ट्राई सी यू पी कप सिड, ट्राई कप्सिड वाल्व। राइट साइड पे जो वाल्व है उसे हम कहते हैं ट्राई कप्सिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड पे वाल्व है वहां पर दे आर हैविंग ओनली टू फेसेस, सो इसे कहा जाता है बाइकप्सिड वाल्व। बाई का मतलब हुआ टू, सो इट इज नोन एज बाइकप्सिड वाल्व। सो हियर ब्लड फ्लोस फ्रॉम राइट आट्रियम टू राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकप्सिड वाल्व, एंड लेफ्ट आट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकप्सिड वाल्व। हमने आपको बता दिया कि इसके पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। मोरओवर इस वाल्व का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस वाल्व। तो वाल्व का वर्क ये है कि ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड रोकता है, इट स्टॉप्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। यानी ब्लड एक बार राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो अब ये वापिस उसको नहीं जाने देता, ये वन वे है, वन वे है। सेम वे ब्लड एक बार लेफ्ट आट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आट्रियम में नहीं जाने देगा। इसे कहा जाता है कि इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द ब्लड, दैट इज द फ्लो ऑफ द ब्लड इज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इज स्टॉप्ड बाय द बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वाल्व। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वी हैव मेनी अदर थिंग्स टू बी नोट डाउन, दैट इज इफ यू सी हियर वी हैव पल्मोनरी वेन्स, वी हैव एरोटा, वी हैव वेना केव्स, दैट इज दीज आर टू वेना केव्स, वी हैव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पोस्टीरियर वेना केव्स। These are all the parts of the heart which are to be learned in blood flow of the heart. This is our topic, that is structure of heart. Now childrens, again we shall do the revision as fast as possible of the structure of the heart. Now structure of the heart, I told you, you are supposed to remember first three things, that is its shape, size and location. Shape is conical shape, size is closed fist, and location is slightly on the left between the lungs. This is the first part. Second part, the heart is four-chambered heart. The upper two chambers are known as atria. The upper two chambers are known as atria, and lower two chambers are known as ventricles. Now, atria has again two parts, that is left atrium
एंड राइट आर्ट्रियम, आई टोल्ड यू आर्ट्रियम इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ आर्ट्रिया. सेम वे वेंट्रिकल इज ऑल्सो हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया, द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर थिन, वेयर एज द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिन. नाउ हियर ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल बाय अ ट्राइकप्सिड वाल, ट्राइकप्सिड वाल. सिमिलरली द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम फ्लोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकप्सिड वाल. नाउ द पार्टीशन विच इज हियर इज नोन एज सेप्टा. द पार्टीशन इन वेंट्रिकल्स एंड इन आर्ट्रियम्स इज नोन एज septa. Now the function of this bicuspid and tricuspid valve is to stop the backward flow of the blood. This is a short revision for you. Now we are supposed to study our second topic, which is also known as blood flow in heart, or it is also known as working of heart. See, previously we learned what structure of heart, and this is working of heart. Now, working of heart also, I have made it in the form of difference. I have made it in the form of difference. How I have made for you so that you could easily learn this, I have divided it into two parts. See, if you see here, first of all, we talk about all parts of the body. Here, I am writing all parts of body. Now from all parts of the body we get deoxygenated blood or impure blood. See, first I will go with this part and then I will go with this part. Now all part of the body, from all parts of the body we get deoxygenated blood, or we can say impure blood. This comes to the heart by superior and inferior vena cava. All parts of the body, that is deoxygenated blood or impure blood, it comes from superior or inferior vena caves. I may write like this, COME, comes from superior and inferior vena cave. Now it enters in right atrium. See, from all part of the body deoxygenated blood through superior and inferior vena caves, through superior and inferior vena caves comes into right atrium. Same time from lungs oxygenated blood means blood which is rich in oxygen, or we can say pure blood, comes through pulmonary veins in left atrium. देखो बच्चों, मैं जिस तरह से लर्न करवा रहा हूँ उस तरह से आप लर्न करोगे तो आपका आंसर एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा. हम फिर से इसे एक बार बोलते हैं. फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डीऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केव्स इन राइट आर्ट्रियम. उसी समय सेम टाइम्स फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स इन लेफ्ट आर्ट्रियम. अब क्या होता है, इन दोनों में ब्लड आने के बाद में राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट
एट्रियम एंड राइट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ते हैं। जैसे ही वो सिकुड़ते हैं ऐसे राइट एट्रियम से यहां से ट्राइकपसिड वाल्व और लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकप्सिड वाल्व से ब्लड पास होके इट कम्स, यहां से ब्लड पास होगा और इट कम्स राइट आर्ट्रियम टू इट कम्स राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम इट कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड यहां से यहां नीचे आ गया। अच्छा, नीचे आने के बाद में क्या होगा, इन दोनों में फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्शन आएगा, दोनों फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बोथ विल बी कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा सो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा सो इंप्योर ब्लड यानी इंप्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, आई एम यूजिंग योर इंप्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, इंप्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल विल पास थ्रू आर्टरीज, एंड इट विल गो टू लंग्स। ये लंग्स के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसे ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। अच्छा, और जैसे ही लंग्स के पास जा रहा है इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड थ्रू एरोटा इट विल गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये चला जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखिए, हमने यहां से शुरू किया था ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी और यहां पर एंड हो गया ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहां पे लंग्स से शुरू किया तो ये लंग्स पे वापस आ गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है, इधर से देखो यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है और इस साइड जा रहा है, सेम वे इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। तो इसको हम एक दूसरे वर्ड में डबल सर्क्यूलेशन भी कह सकते हैं। वी ऑल्सो टू टेल दिस एज डबल सर्क्यूलेशन। वंस अगेन वी शैल गो विद द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। एज आई टोल्ड यू, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक्चुअली एक मेढक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इजीली इस फॉर्म में लर्न करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले हमारे इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पड़ाव यहाँ पे आता है और दूसरा पड़ाव यहाँ पे आता है। पहले पड़ाव में हम यहाँ तक पूरे का पूरा लर्न कर लेते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली बोलेंगे, फिर यहाँ से बोलेंगे और फिर यहाँ से कहेंगे। हम कहते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डीऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केव्स इनटू राइट एट्रियम। सेम वे फ्रॉम लंग्स ऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। अब दोनों के दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम moves to right ventricles and here, और कौन सा ब्लड मूव कर रहा है, इंप्योर यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। सेम वे लेफ्ट आर्ट्रियम इट मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा ब्लड मूव कर रहा है, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड, यहां से ट्राइकप्सिड वॉल से एंड यहां से बाइकप्सिड वॉल से। Now, when blood comes to these both left ventricle and right ventricle, again these ventricles get contract. As this ventricle gets contract, then impure blood through arteries goes to lungs for getting oxygen, because this was
डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। सेम वे यहां पर जो प्योर ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो प्योर ब्लड था वो थ्रू ओरेटा इट गोज टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन द सर्कुलेशन स्टार्ट। जैसे ये ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पे गया, अब ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पे जाने के बाद में ये डीऑक्सीनेटेड हो गया, तो यहां से फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्लड जैसे लंग्स के पास गया, ऐसे लंग्स के पास से वो ऑक्सीजन ले लेगा और यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्रॉस प्रोसेस अगेन एंड अगेन गेट्स कंटिन्यूड इन द बॉडी एंड सो आवर हार्ट वर्क्स। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चिल्ड्रंस प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक थरली। नाउ इफ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।